दोस्तों आज मैं आप लोगों को इंडियन मार्केट की बहुत ही पॉपुलर नेकेड 150 सीसी बाइक यामाहा FZS वर्जन 3 BS6 2020 मॉडल का चार अलग अलग कलर्स दिखाऊंगा। वैसे दोस्तों ये जो बाइक है ये FZS मॉडल ये टोटल पांच कलर्स में आते हैं और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इसका डार्क नाइट एडिशन इसमें इंक्लूडेड है और इसका जो मैट ब्लैक वर्जन है वो इस वीडियो में और इस शोरूम में मुझे अवेलेबल नहीं मिला तो वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल ये चार अलग अलग कलर्स आप देख पाएंगे। इसका जो डार्क नाइट कलर है सियान और मैट ग्रे कलर है, इसकी जो मेटालिक रेड कलर है और इसका अरमाडा ब्लू कलर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत और मैंने ये वीडियो शूट किया है SNC यामाहा मोटर्स के आंदुल ब्रांच में, जिनके शोरूम के एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनसे इस गाड़ी को या फिर कोई भी यामाहा की गाड़ी को लेने के लिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि जो मैट कलर है इसमें स्क्रैच उतने आसानी से पड़ता नहीं है और इसकी जो मेंटेनेंस है ये भी उतना ज़्यादा आपको हेडेक नहीं देगा, तो मेंटेनेंस उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन थोड़ा इसमें आपको जो शाइन है ये शाइन आपको कम मिलेगा। वहीं पे जो ग्लॉजी कलर से ये ग्लॉजी कलर में आपको शाइन काफ़ी ज़्यादा मिलता है लेकिन जो स्क्रैच वगैरह है ये आसानी से पड़ता है और देखने में भी ये ज़्यादा जो ग्लॉजी कलर है ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैट कलर में स्क्रैच उतना आसानी से पड़ता नहीं है और मेंटेनेंस भी उतना ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ता। बाकी दोस्तों हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है, तो आप ज़रूर आपके जो चॉइस है आपको जो कलर सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसके बारे में हमारे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर आपके ओपिनियन शेयर कीजिए। वैसे दोस्तों जो इसका डार्क नाइट एडिशन है ये लगभग नॉर्मल एडिशन से 1500 रुपये यानी कि 1500 रुपीज़ ज़्यादा महंगा है। तो डार्क नाइट एडिशन का एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता 1,05,200 रुपीज़ है और नॉर्मल जो स्टैंडर्ड एडिशन है इसका 1,03,700 रुपीज़ है। और यहाँ पे आप चारों कलर्स देख सकेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो मेटालिक रेड कलर ये देखने में बहुत ही ज़्यादा मुझे वाइब्रेंट लगा है। इसके अलावा जो डार्क नाइट एडिशन है इसमें आपको कुछ अलग स्टिकर्स और कुछ अलग कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे दोस्तों मैकेनिकल कोई भी चेंजेस नहीं है। सबसे पहले आप मीटर कंसोल को देख लीजिए, फुल्ली नेगेटिव यहाँ पे डिस्प्ले के साथ मीटर कंसोल दिया गया है और सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सिवाय गियर इंडिकेटर के आपको मिल जाएंगे। हेडलैम्प अगर आप देखें तो सिटी यूज़ के लिए हेडलैम्प ठीक ठाक है, फुल्ली LED यूनिट है। नीचे एक छोटा सा आपको हैलोजन में पायलट लैंप देखने को मिल जाएगा या फिर पार्किंग बल्ब देखने को मिल जाएगा और ये इसकी हाई बीम भी दिया गया है। पीछे की तरफ अगर देखें तो बल्ब टाइप का आपको बैक लैंप मिलेगा, नॉन फ्लेक्सिबल टाइप आपको क्लियर लेंस इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आप साइड पे देखें तो बहुत ही मस्कुलर बल्की यहाँ पे टैंक दिया गया है विद क्रोम फिनिशिंग और इसके ऊपर FZS और वर्जन 3 का बैजिंग भी किया गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 12.8 लीटर्स का इसका टैंक कैपेसिटी है और टैंक से ही अलग अलग कलर्स का आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आप आर्माडा ब्लू या फिर मैट ब्लू कुछ भी कह लीजिए, इसको देख लीजिए, ये भी कलर जो है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे अगर हम मैट ग्रे और सियान कलर को देखें तो ये भी एक मैट कलर और ग्लॉजी कलर का कॉम्बिनेशन है और रेड कलर जो है ये फुल्ली आपको ग्लॉजी में मिलेगा और डार्क नाइट एडिशन भी आपको मैट कलर में मिल जाएगा। इंजन की अगर बात करें दोस्तों तो सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड SOHC 2-वेल्व फ्यूल इंजेक्टेड ब्लू कोड इंजन यहाँ पे लगा हुआ है 149 cc का। BS4 से पावर 0.8 PS ड्रॉप हो गया है और टॉर्क जो है ये 0.8 Nm बढ़ गया है। तो यहाँ पे पावर आपको मिलेगा 12.4 PS एट 7250 RPM और पीक टॉर्क मिलेगा 13.6 Nm एट 5500 RPM। सिर्फ आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट ही मिलेगा, कोई भी किक स्टार्ट के ऑप्शन यहाँ पे नहीं है और ये अपने सेगमेंट में सबसे अंडर पावर्ड गाड़ी है, सबसे अंडर पावर्ड बाइक है, जो कि मुझे एक डाउनसाइड लगता है। आप दोस्तों टैंक यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे डार्क नाइट एडिशन है उसमें आपको सिल्वर कलर के अलग अलग स्टिकर्स मिलेंगे। बाकी यहाँ पे अगर हम सीट की बात करें तो वर्जन 3 से ही यहाँ पे यूनिबॉडी सीट आने लगा है तो आपको राइडर और पिलियन कंफर्ट बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगा। 790 mm सीट हाइट और फैमिली राइडिंग के हिसाब से भी यहाँ पे FZS जो है ये बहुत ही अच्छा कम्फर्ट आपको दे देता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे टैंक के ऊपर आपको यामाहा की बैजिंग और एम्ब्लेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, स्टिकर में 3D टाइप ऑफ स्टिकर्स यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे निसिन के ब्रेक कैलिपर्स यूज़ किए गए हैं। आगे की तरफ भी आप फ्रंट फेसिया भी देख सकेंगे। तो ये मैट ब्लू कलर जो अरमाडा ब्लू कलर है उसका भी आप टैंक देख लीजिए, इसमें फुल्ली आपको मैट फिनिशिंग ही मिलता है। बाकी इसके बाद अगर आप इसके सियान ग्लॉजी सियान और मैट ग्रे कलर को देखें तो यहाँ पे मैट और ग्लॉजी का एक कॉम्बिनेशन दिया गया है, ये भी काफ़ी एक अट्रैक्टिव कलर स्कीम यहाँ पे आप मान सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों कर्व वेट जो है ये 137 kg है, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है और सीट हाइट मैंने आपको बताया 790 mm है और माइलेज की अगर बात करें तो 45 से लेकर 50 तक सिटी में और हाईवेज में 50 से भी ऊपर आपको मिल सकता है।
इसके बाद दोस्तों जो सबसे वाइब्रेंट कलर मुझे लगा है ये इसका जो ग्लॉजी मेटालिक रेड कलर है ये लगा है, क्योंकि ये जो है ये BS6 के साथ ही नया आया है और ये कलर मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और बहुत ही यूथ फ्रेंडली लगा है। तो आप ये भी ट्राई आउट करके देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसके जो एक थोड़ा सा स्पेशल एडिशन है वो डार्क नाइट एडिशन पर। तो डार्क नाइट एडिशन में आपको फोर्ट के ऊपर यामाहा जो लिखा हुआ है ये गोल्डन कलर में मिलेगा और कुछ अलग सिल्वर कलर के स्टिकर्स यहाँ पे लगाए गए हैं और कुछ ग्लॉजी पैनल्स भी बिल्कुल टैंक के नीचे एक्सटेंशन के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया गया है, उसके ऊपर भी आपको स्टिकर्स मिल जाएगा। और यामाहा वर्शन एफजेडएस वर्शन 3 का लिखा हुआ यामाहा का ये जो लिखा हुआ है और रिम स्टिकर्स जो है व्हील पर, ये सारी चीज़ें आपको नया मिलेगा इस डार्क नाइट एडिशन पर। तो ये इसीलिए 1500 रुपये ज़्यादा महंगा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही मोटे 41mm डायमीटर वाला आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा और पीछे आपको एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन मिल जाएगा। इसके व्हील बेस जो है गाड़ी का ये 1330mm है और अगर हम पावर की बात करें तो टॉर्क पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, लेकिन टॉप एंड में आपको अभी कमी महसूस होगा BS4 के मुकाबले। आते हैं दोस्तों यहाँ पे व्हील्स पर। तो यहाँ पे दोनों ही तरफ आपको 70 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स के साथ अलॉय व्हील्स यूज़ किए गए हैं और सिंगल चैनल ABS यूनिट इसमें दिया गया है। आगे की तरफ आपको 282mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा ट्विन पिस्टन कैलिपर वाला और आगे की तरफ 100x80 सेक्शन का टायर यूज़ हुआ है और पीछे की तरफ अगर देखें तो 140x60 रेडियल 17 इंचेस का पीछे का टायर यूज़ हुआ है और इसका जो एग्जॉस्ट भी आप देख सकेंगे, एग्जॉस्ट बहुत ही शॉर्ट एंड स्टबी एग्जॉस्ट है और ब्लैक कलर के पीछे का जो स्प्रिंग है मोनो सस्पेंशन का वो दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लाइट्स की बात करें तो आगे की तरफ आपको LED मिलेगा, पीछे की तरफ नॉर्मल बल्ब मिलेगा। हैंडल बार जो है ये बहुत ही अपलिफ्टेड हैंडल बार, बिल्कुल पाइप टाइप का हैंडल बार है। स्विच गियर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और आप एक कम्यूटर फ्रेंडली पोजीशन में थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड आपको थोड़ा सा होना पड़ेगा, बाकी आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में यहाँ पे बैठ पाएंगे। दोस्तों फिर से प्राइस बता रहा हूँ, 1,03,700 रुपीज़ इसका स्टैंडर्ड मॉडल और 1,05,200 रुपीज़ इसका डार्क नाइट एडिशन का है। बाकी यहाँ पे एफजेडएस जो है ये बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है, स्पेयर पार्ट्स आपको आसानी से मिल जाएगा, रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज राइड सेफ।